नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आर्यानं नमो अध्यायानं नमो लोये सर्वसाहूरं शुद्धात्मान मनेकांतं साधुमत्तम मंगलं वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थं संदष्ट्यर्थ प्रकाशकं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां कलोकानां यद्विद्यादर्पणायते मंगलमय मंगलकरण राग विज्ञान नमोताहियाते भय अरहंताज महान। पूजा के कितने अंग होना चाहिए? पूज्य, पूजक, पूजा, पूजा विधि और पूजा का फल। समझ में आया? पूज्य किसकी पूजा, कैसी पूजा, किस लिए पूजा? टोटोमल जी ने एक बात कही है कि शास्त्रों का स्वाध्याय अथवा सर्व ही कार्य प्रयोजन पर दृष्टि रख करके करना चाहिए। यदि प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है तो भटकने के अवसर हैं। जब प्रयोजन की चर्चा आई तो एक चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आई, विधान में भी आई, लौकिक प्रयोजनातीतम। टोटमल जी ने क्या कहा? एक प्रश्न उठाया अरहंत आदि की भक्ति के संबंध में कि आप कहते हो अरहंत आदि की भक्ति हम पूजा कह रहे हैं इस प्रसंग में, अर्थात बोलिए भक्ति अर्थात टोटमल जी की भाषा में अरहंत आदि के आकार का अवलोकन करना पहली पूजा तो यही है। आकर के इस विचरानी छवि को एकाग्र होकर के निहारो। इस संबंध में एक लाइन कही थी कभी याद है? इन भगवंतों को इतना निहारो, इतना देखो कि अन्य को देखने की अभिलाषा ही नहीं, बस जाए हृदय। कवियों ने लिखा भी है प्रभु शांत छवि मन बस गई रे, हे प्रभु आपकी शांत छवि मेरे हृदय में बस गई है, वही वही दिखती है। भक्तावर इस सूत्र में क्या लिखा? एक टक जन तुमको अविरोध दृष्टा भवंत मन में इस विलोक लियम। देखो सचमुच देखने लायक है, आंखों का फल है। एक वाक्य सुनाओ जल्दी मत किया करो। बोलो आंखें पूर्ण उदय से मिलती है, कितने जीव हैं जिनकी आंखें नहीं मिली, और भगवान का दर्शन महापुण्य। आंखें तो पुण्य के उदय से मिली लेकिन भगवंतों का दर्शन महापुण्य। ऐसे इंद्रियों में घटा देना, कान पुण्य के उदय से और जिनवाणी का श्रवण महापुण्य का होने। उदय की बात कर रहे, महापुण्य के उदय से दर्शन मिले हैं, महापुण्य के उदय से जिनवाणी का सुनना मिला है,
अब आगे महापुरुषार्थ ही सफल करो, इसके आगे पुण्य का काम नहीं। पुण्य ने आपको यहां आकर के खड़ा कर दिया। अब इस छवि को निहारते हुए मोक्ष मार्ग समझकर अपना हित कर ले, इनके सामने अपने स्वरूप का स्मरण करो, चाहे तो जय हो करके पुण्य मांग लो थोड़ा, अथवा यहां आकर के भी इधर उधर की विकल्पों में उलझी रहो और महापाप बांधो, ये तुम्हारा काम है, इसमें पुण्य का दोष नहीं है। पुण्य ने आपको यहां खड़ा कर दिया ला करके। अगर पुण्य उदय नहीं होता तो मैना सुंदरी ने कहा हम तो आपके घर में जन्म नहीं लेते, ये भोग संयोग आप हमें गरीब के घर में देने थोड़े ही आ रहे होते। ऐसे ही महापुण्य का उदय, भगवान आंखें मिली, भगवान मिले, समय मिला, शक्ति बुद्धि मिली, जिनवाणी मिली, अब इससे ज्यादा क्या चाहिए। अब चाहिए पुरुषार्थ, अब आपका काम है, अब कोई दूसरा नहीं कर पाएगा। कोई असमर्थ व्यक्ति है बाहर, बेटा कहाँ जा रहे, न हमें मंदिर तक पहुंचा, आओ उंगली पकड़ी या लाठी पकड़ी उसकी ला करके यहां बैठ। अब वो जो कुछ भी करे वो आप नहीं कर पाओ, अपर को दोष दे तो गलती है, अपर के ऊपर निर्भर रहो तो भी गलती है। तो अरहंता का आकार का अवलोकन करना, क्यों इसमें भी कोई बात है कि हाँ ये विशिष्ट आकार है, और नहीं तो आप खड़े हो जाओ दर्पण के सामने, क्रोध रूप भाव करो तब अपनी शकल देखो, अभिमान जरा आ जाए तो अपनी शकल देखो, लोभ हो तो अपनी शकल देखो, परिणामों का और मुद्रा का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो लिखा तो है आकार का अवलोकन करना, उसका भाव क्या समझना, आकार के माध्यम से या जिन मुद्रा के माध्यम से उस वीतरागी दशा का अवलोकन करना, विचार करने में आगे आ जाएगा स्वरूप का विचार करना। और देखो जिसको लोग भक्ति नहीं समझते, कितना पाप बांधते पता नहीं, सास होता रहता भी अपनी आराम से परिक्रमा कर रही, माला फेर रही और बस ऐसा सोच रही कि जैसे हम कछुआ हो गए, देखो हमने सास नहीं सुनो, या पीछे से 5 मिनट 10 मिनट आके बैठ गए, हम बड़ी अच्छी तरह कर रहे हैं भैया बहुत अच्छी। अरे अच्छी तरह आप समझ नहीं रहे, वचन सुनना, आकार अवलोकन करना ये पूजा है, स्वरूप का चिंतन करना उससे उत्तम पूजा है, और वचन सुनना उससे बड़ी पूजा है। और फिर निकटवर्ती होना, उनके अनुसार प्रवर्तन करना, ये महापूजा है, सच्ची पूजा है, व्यवहार की परमार्थ की बात तो भीतर है, हम तो व्यवहार की बात कर रहे हैं, सच्ची पूजा। दोपहर में भी हमने चर्चा की थी, कौन भैया बैठे थे, देखो ये इससे बड़े दुर्भाग्य, क्या शर्म की बात है कि श्रावक होकर के हमको श्रावकाचार का ज्ञान नहीं। अधूरी पद्धति पढ़नी और बस सोच लिया कि हम कछु हो गए, बस पूजा में पहला नंबर है विनय पाठ, विनय के बिना पूजा कहां से आएगी। विनय पाठ, विनय के बिना एक भी कार्य नहीं है, जब भीतर में बहुमान नहीं है, विनय नहीं है, बस। देखो यहां तो सामूहिक बात कहेंगे लेकिन व्यक्तिगत समझ लेना चाहिए, ऐसा दोष अपने में हो तो निकाल लेना। मुद्राएं बहुत अच्छी नहीं है,
मंदिर में आकर के भी जितनी विनम्रता की मुद्रा और जितने विनम्रता के वचन होना चाहिए, इतने दिन पूजा और स्वाध्याय के बाद भी नहीं हो पाए। उस दिन आप कह रहे हैं कि बंबई में फोन आया कि पाठशाला शुरू करनी सो आशीर्वाद, और यहाँ हमारे हम कार्य कर रहे हैं, हमें नहीं जरूरत उनकी। अच्छी नहीं है चेष्टा, ये बहुत अलौकिक स्थान है, यहाँ लौकिक बातें छोड़ देना चाहिए, लौकिक मान्यताएं छोड़ देना चाहिए। अभी गोष्ठी में अधिकारी लोग भी आए, बोले जब छोटे पर थे तब टाट पर बैठते थे, उसके बाद से फिर बेंच और कुर्सियां, और क्या आप बैठे आपके साथ, यहाँ हम अधिकारी नहीं है, यहाँ तो श्रावक है, सेवक बन करके आए। ये सारी बातें छोड़ देना चाहिए, आप देखो कितना बढ़िया वातावरण बन जाए, कितना प्रेम उमड़ने लगे एक दूसरे के प्रति। चाहे कर्तृत्व का अहंकार हो, चाहे अधिकार की बातें हो, ये स्थान इसके लिए नहीं। अभी हम कह रहे खड़े हो जाओ, वहां बैठ जाओ, बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, उसमें ये मत सोचो हमसे अपमान हो गया, हाँ ये स्थान इसका नहीं। बड़ा कष्ट होता है, ये तो अन्य मत के कथनों में भी आया, कंचन तजना सहज है सहज तिया और गेर, बोलो मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना, ये अगर ये बातें हम नहीं छोड़ पाए तो हमारी पूजा सबरी पानी में गई है, समझ लेना कोई काम की नहीं है। आप बस इकट्ठे भीड़ मचाई और बस तुमने प्रचार कर लिया हो, चाहे किस काम से कर लिया हो, जो कुछ भी पूजा कर ली हो आपने, अलग से स्पेशल लगा करके चांदी के बर्तन में कर ली हो, चाहे वो अंगूठियां 10 पहन ली हो, कोई मतलब का नहीं, केवल अहंकार पोषण। कुतर्कों से काटना मत सीखो, समझना सीखो, समझना नहीं। मुद्रा और वचन आपके अंतर भावों के वो प्रकट करते हैं। जब तक अंतर भाव नहीं सुधरेंगे, मुद्रा और वचन नहीं सुधर पाएंगे। नहीं आ पाए तो नहीं आ पाए, दो दिन ये सोच के थोड़े ही आए थे नहीं आ पाएंगे, ये थोड़ी सोच के आए, और आज भी हम झुक करके आए, ये समझ लेना। बहुत प्रवृत्ति को निर्मल करो, बहुत भावों को, कुछ नहीं कर पाए, बीच में से उठ के, बीच में से लौट के गए थे कल भी सभी, आज भी सभी गए थे, क्यों करता नहीं है कोई। जितना परिणाम विशुद्ध होगा, जितनी विनय होगी, जितनी भक्ति होगी, सबका चार में एक लाइन लिखी है, बताओ क्या लिखी, जिसको जिनवाणी के प्रति, ज्ञानी जनों के प्रति, ज्ञान के प्रति बहुत विनय होगी, उसको ये यथार्थ अर्थ अवभाषित होगा। ये तो अर्थ हमने सोचा नहीं, क्यों नहीं सोच पाए, विनय में न्यूनता है। भरत चक्रवर्ती अब द्वारा प्रेक्षण को खड़े और मुंडा, अरे हमारी ही भक्ति में न्यूनता है, लगता ही नहीं, हम तो बढ़िया, हम ये लोग हैं जी, ये लोग ऐसे सारे मत किया करो, ये बहुत गंदी सोच है।
आकार का अवलोकन करना बिल्कुल नंबर एक की पूजा है, उससे उत्कृष्ट पूजा स्वरूप का विचार करना, फिर वचन सुनना। क्यों ये क्यों बाद में कर? अगर हम विचार करने लगे और वचन नहीं सुने तो विचार के नाम पर जाने कहाँ कहाँ के विचारों में लग जाएंगे। स्थूल विचार स्वरूप विचार कर लेंगे। भावों का फल आता है, केवल क्रियाओं का नहीं, वचनों का नहीं आएगा। भावों का फल कितना समर्पण भाव है हमारा, कितना त्याग है। जब मंदिरों में जगह जगह जाते हैं, वो लिस्ट नामों की देखते हैं, ऐसा ही विकल्प आता है। अगर इसकी जगह एक स्तुति लिखी होती तो कितने लोगों के परिणामों की विशुद्धि में निमित्त होती। इस नाम, ये नामों की लिस्ट लगी है ना, इन नामों को कौन जानता है? उसके परिचय वाले, रिश्तेदार वाले, जो आएगा तो केवल अपना नाम पढ़ के खुश होगा, या उसके पिताजी का नाम होगा, बाबा का नाम होगा, वो सुन करके खुश हो जाए, और क्या होगा। लेकिन अगर इसकी जगह एक स्तुति या जिनवाणी का वाक्य लिखा हो तो कितने लोग उसकी विशुद्धता में निमित्त होगा। ये वैभव प्रदर्शन के स्थान नहीं है, अपने नाम बढ़ाई के स्थान नहीं है, ये अपनी विशुद्धता को बढ़ाने के स्थान है, भेद ज्ञान के स्थान है। भाव चला जाएगा भाई, अपन सोचते रहेंगे बहुत आगे बढ़ गए, बहुत कुछ करने लगे, बहुत कुछ समझने लगे, लेकिन ये समझो नशे में नाव खे रहे हैं, खूटा खुदा ही नहीं। न जाने हमारी औरों की ओर देखने की वृत्ति क्यों हो गई, हम अपनी ओर नहीं, यहां भी नहीं देख पाए। जब अपने स्थूल पर्याय के दोषों को नहीं देख पाएंगे तो सूक्ष्म स्वरूप को कहां देख पाएंगे, कैसे देख पाएंगे। हमारा अहंकार है, अरे काय का अहंकार, अहंकार तुम्हारा है। समसार के सामने बैठे हो तो तुम्हारा स्वरूप नहीं है ये कहो, ये कलंक है, हमारी कथा है। अरे कथा है, उसको मिटाओ भैया, मिटाने का उपाय करो। कथा है, पोषण करने वाली संगति से बचो। धन्य भाग्य है जिसको ये लग जाए ये कथा है, ये समझो निदान हो गया, डायग्नोज, अब इलाज सरल है। लग तो जाए ये कथा है, हमारी दुख का कारण है। विरले जीव हैं, धन्य जीव हैं, पात्र जीव हैं, जिनको ये लग जाए हमारी कथा है दुख का कारण है। आत्म तत्व की दृष्टि के बिना कथा है दुख का कारण है, ये आचर तत्व का सिद्धांत है। आचर तत्व का सिद्धांत आत्मा के सिद्धांत बिना कहां से आएगा? एक एक तत्व का सिद्धांत नहीं होता। कोई ये भी कहे छह तत्व का सिद्धांत है, सात का नहीं है, तो वो मिथ्या बोलता है, झूठ बोलता है। होगा तो सातों का, नहीं होगा तो एक का भी नहीं। वचन सुनना क्या अर्थ बताया था बोलो, कभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से सुनने का अर्थ। ताकत नहीं है, ओंगने लगे दो मिनट में, हम आ पाए तो लो ये समझो। अब क्या समझोगे, क्या बताया था बता, सुनने का अर्थ क्या बताया था? अनसुनी नहीं करना, अपनी नहीं सुनाना, सुनना। सुनने का मर्थ है,
स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग बनने पर भी जो जिन वचनों को नहीं सुनते हैं तो बाहर वालों की बात है। जो सुनते रहते हैं जा कान सुनी बा कान निकारी का करने अपन को सुनते रहते हैं, अनसुनी करते रहते हैं उनकी बात है। वे बड़े ढीठ हैं, दुष्ट चित्त हैं, संसार भय से की संकट डरे नहीं डरते। फिर दो दिन बाद फिर वही, चार दिन बाद फिर वही, दोबारा फिर वही, फिर वही, फिर वही सुनते रहते, मानो कुछ कहा ही नहीं है। ये है जिन वचनों को सुनना, जिन वचन सुने नहीं ऐसा मत समझना भाव भाव में सुने हैं लेकिन अनसुनी करी है, अनसुनी करी है। उनके अनुसार प्रवर्तन करना, प्रवर्तन करने का मतलब श्रद्धा करना, ज्ञान करना, अनुभवन करना। आगे बोलो, बस कुछ कही नहीं पाओगे। हे का त्याग करना, उपाधेय का ग्रहण करना। आचरण का अर्थ क्या है? हे का त्याग करना, बुरी बातें छोड़ो। विकथा का त्याग करना, धर्म कथा का आचरण करना, ग्रहण करना। धर्म कथा करो उतनी देर बैठ कर। दुश्चिंतन का त्याग करना, तत्व चिंतन करना, ये व्यवहार के अर्थ है। आचरण का अर्थ क्या हो बताओ? कुसंगति का त्याग करना, सत्संग में रहना। जागे हुए अपने चुप रह गए, बस खत्म हो गई। बोला करना वो ही है, अब ध्यान रखेंगे बस, जागे खत्म। क्या ध्यान रहा क्या नहीं रहा? आचरण बताता, मुद्रा बताती, सकल बताती, व्यवहार बताता। पूजा विचार करो, प्रयोजन पर दृष्टि की चर्चा चल रही है। टोटमल जी ने कहा आकार का अवलोकन करना, स्वरूप का विचार करना, वचन सुनना, निकटवर्ती होना, आचरण करना और निकटवर्ती होना। आचरण के अच्छे आचरणों से हम इन परम पुरुषों के निकट जा रहे, निकट पहुंच, और नहीं तो दूर हटते चले जाते हैं, दूर होते चले जाते। काय है अपने ही कसायों की तीव्रता से, खोटे आचरण से दूर हटते हैं, दूर होते चले जाते, दूर होते चले जाते। हमारा तुम्हारा रास्ता अलग है, कसाएं घटती हैं। हम इन मुख्य मार्ग में परम पुरुषों के, महापुरुषों के निकट आते हैं, और कसाएं की तीव्रता होती है, दूर हटते। इत्यादि कार्य बोलो। अरे ये तो शास्त्र में लिखा है ना, शास्त्र के शब्द पूछ रहे हैं। अरे नहीं तुम बोल नहीं पाते भाई। इत्यादि कार्य तत्काल कसायों को मंद करते हैं, विशुद्धता रूप है कसायों की मंद, और आगामी समस्त कसायों के मिटाने के साधन हैं। और जब कसाय मिटेगी तो दुख मिटेगा, नियम की बात है। कसाय नहीं मिटेगी आपका दुख, कोई नहीं मिटा पाएगा, देवी देवता मंत्र तंत्र कोई क्रियाएं कोई अनुष्ठान आपकी दुख नहीं मिटा पाएगा। है समाचार जी में इसी ग्रंथ में सिद्धों के स्वरूप में क्या लिखा, और उनकी जो शांत मुद्रा है, सिद्ध भगवान का स्वरूप है, वह साधने योग्य अपने स्वरूप को दर्शाने के लिए प्रतिक्षण के स्थान पर। तो साधने योग्य अपना स्वरूप समझ में आता है। इस प्रकार से जीव के संसार के अभाव की और मोक्ष मार्ग की विधि बनती है। तब फिर प्रश्न उठाया, महाराज ये तो ठीक है, हम ग्रस्त लोग हैं, लौकिक कार्यों की सिद्धि होती है कि नहीं अनंत की पूजा भक्ति से?
पुत्र पौत्र संपत्ति रोग बीमारी दूर होती है, पुत्र पौत्र संपत्ति मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, ये बताओ। उन्होंने कहा भैया जब हैं बढ़िया धान फसल होगी तो भूसा तो मिलेगा ही, उसमें तीन हेतु, पूर्व पाप कर्म का संक्रमण अपकर्षण होने से विघ्न स्वयं मिटते हैं, पुण्य का बंध होने से, पुण्य का उदय होने से सामग्री स्वयं मिलती है। नीचे क्या लिखा, परंतु इस कार्य का अर्थी होना योग्य नहीं, क्यों, इससे अपने प्रयोजन की सिद्धि कुछ नहीं होती। दृष्टांत बता, अब दृष्टांत शास्त्र में नहीं है, हमने तो बताया होगा, किसी के पेट में दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही, उसको बढ़िया एक सोने का हार पहना, बेशकीमती वस्त्र आभूषण पहना कर और बढ़िया से, अरे जब वो बेचारा जमीन पर पड़ा है वैसे साधारण से कपड़े पहने तो उसको दर्द होगा ही, उसको बढ़िया सैया पे बढ़िया सुंदर बिस्तर और लंबे बढ़ा करके और वस्त्र सुंदर वस्त्र बदन के बढ़ा, बोलो कितना सुखी होगा, क्या इससे कोई संबंध ही नहीं, इससे कोई संबंध नहीं, उसको रोग की औषधि मिलना चाहिए, उसी वेश में शांति मिल जाएगी, उसी स्थान पर शांति मिल जाएगी, उसी वेश पर उसका दूध लो तो ज्ञान होगा, कथाएं मिटेंगी, मंद होंगी, वहीं जहां है जहीं वहीं पर शांतता मिलेगी, और नहीं तो कहीं शांतता नहीं मिलेगी, बदल लो आप, क्या समझते हो तुम, यहां से जाकर के स्वर्ग में भी चले गए तुम तो अभी कहने जातम ज्ञान में ना सुख ले न पा, नहीं मिलेगी शांतता, तो वहां भी विषय क्या दावा नल जलो या कसाय की ज्वाला में जलते रहोगे, तत्व ज्ञान के बिना कसायों को रोकने में कोई समर्थ नहीं, तास उपाय न आन ज्ञान, तो पूजा करने में प्रयोजन पर दृष्टि रखोगे तब बात बनेगी, तब इन बातों को विचार कर पाओगे, प्रयोजन पर दृष्टि नहीं है तो क्या विचार करोगे। पिताजी बैठे थे दुकान पर, कुछ काम हुआ घर पे गए, लड़के को बैठा दिया, जो लड़का आया बैठ गया, जो ग्राहक आया उन्हें इतने को देवे हाओ, इतने को देवे हाओ, पिताजी देखो हमने इतनी दुकानदारी कर ली, जी कितने का दे दिया, इतने का, आप पागल कहेंगा, कितना घाटा कर दिया, कुछ हो जाए तुझे, ये मालूम है ये किस भाव आया था, कुछ पता नहीं तुम्हें मालूम है यहाँ कितने पुण्य के उदय से आकर के बैठे, तुम कर क्या रहे हो, घाटे का धंधा, घाटे का धंधा, यहाँ विशुद्धता बढ़ानी थी कि जितनी विशुद्धता थी यहाँ आकर के बैठे सो तुम गमाए के चल रहे, गमाए दो हीरा का करण में, पूज्य बोलो संक्षेप में पांचों बातें कह लेना है, पूज्य व्यवहार से वीतराग विज्ञानता पूज्य है, वीतराग विज्ञानता जब पूज्य है तो जिनके वीतराग विज्ञानता है वे पूज्य है, अरंत और सिद्ध पूर्ण वीतराग विज्ञानता के धनी सर्व प्रकार से इंद्रादिकों के द्वारा पूज्य, और एक देश वीतराग विज्ञानता के धनी निर्गंथ मुनीश्वर पूज्य, पंच परमेश पूज्य, व्यवहार से वीतराग विज्ञानता, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव से ले लेना, वीतराग विज्ञानता भाव हो गया परिणति, वीतराग विज्ञानता के धारक वे द्रव्य हो गए पंच परमेष्टि, और जहां वे विराज रहे ऐसा क्षेत्र, और जिस समय उन्होंने वीतराग विज्ञानता प्रकट की आराधना करे वो काल पर्व, दशरक्षण पर्व, अष्टानिका पर्व, पर्व कहते ना पर्व नाम पवित्रता, जी भैया आए, जी भैया कहा चाचा जी,
क्षमा भाव। सूजी लड़का जन कौन बैठा है? बोले क्षमा वाणी तो आज कहाँ है? अरे भैया हमने घर में कचरा हो जाए तो दीवारी के लिए छोड़ोगे? दीवारी तो बाकी ले है, कहूं लगो लगाओ रहो तो साफ करो। क्षमा वाणी का दिन तो उसके लिए है कि कोई आने अनजाने में रह गई हो तो उसको भी मिटा देना। क्षमा वाणी पे गांठ बांधे बैठे रहे तो मुंह से नहीं निकल पाता तो धिक्कार है जीवन। क्षमा वाणी के दिन भी अगर हम धर्म दीवारी पे गंदगी डरी रही तो बस घर को का हो, उस घर में लक्ष्मी कब आएगी बताना? क्षमा वाणी के दिन पर भी हमारे मुंह से नहीं निकल पाया। योग्य वचन में तो फिर धिक्कार ही है। काय के हम श्रावक रहे, काय के जैन रहे, काय के मोमोछू रहे, विचार तो करो। बस एक आए मंच बना ले, फोटो खिंचवा ले, आए गए बस क्षमा वाणी बढ़िया मन गई, चाय नाश्ता कर ले। अरे रे प्रभु, बैर विसर्जन का समय है, बहुमान का समय है, वो काल में आ गया भैया। काल समझ में आया? दर्द छेद काल भाव। बोले हमने तो गांव में कहावत सुनी है, सदा दीवारी बाघरे जाकर गेहूं हो। पहले बेजर ज्यादा खपती थी, गेहूं बहुत कम होता था। कऊ मेहमान के लिए धरे या कऊ तीज त्योहार के लिए सामान्य लोग बेजर खपती जो चना। अब वो समय बदल गया सब, तो वो के सदा दीवारी बाघरे जाकर गाओ, हमारे गेहूं नहीं तो काय की दीवारी। तो ऐसे ही क्षमा वाणी कब, या हमारे हृदय में क्षमा अवतरित हुई, हमने उस क्षमा का मूल्य समझा, क्षमा का भाव हमारे अंदर में आया, बैर विसर्जन हो गया हमारा। और तो अभी गांठ बंधी रही तो क्या मतलब, बे के बे सोच बने, बे की बे बातें बने, क्या मतलब हुआ? अरे रे क्या पागलपन, होता समझे पूजे। समझ में आ गया? बीत राग विज्ञान और बीत राग विज्ञान में पंच परमेश की पूजे व्यवहार न निश्चय से, जिसके आश्रय से वितरागता प्रकट होती है, वितराग विज्ञानता प्रकट होती है, ऐसे रागादिक से भिन्न त्रैकालिक ज्ञान स्वभाव वह हमारा पूज्य। ठीक है, पूज्य पहला अंग हो गया पूजा। किसकी पूजा करोगे? कल बैठे थे बांजल जी ऊपर, बोले जैसे मुंडा छठवें सातवें गुणस्थान में झूते ना, ऐसा पूजा करते समय अगर पूज्य और पूज्य कारण परमात्मा कार्य परमात्मा में नहीं झूले तुम चिंतन में, तो काय की पूजा झूठी तो पूजा भाई बात। बोले उबर बेरे, बोले जैसे मुन्ना झूठे ना, ऐसे तुम कारण परमात्मा कार्य परमात्मा कारण परमात्मा कार्य परमात्मा ऐसे झूले नहीं तो का मतलब न करो। जो सामग्री ऐसी हो गई गम ऐसा होगा। अरे भैया द्रव्य से शुद्ध मधिगम यथान रूपम यथा सत्यम, उसे ज्यादा न विवाद का विषय बनाओ न उसे ज्यादा बड़प्पन की बात करो। यत्नाचार और विवेक पूर्वक कम से कम आरंभ और प्रासुकता का ध्यान रखो। यत्नाचार और विवेक का ध्यान रखो, प्रासुक होना चाहिए, जीव व्याधना ना हो पाए, ध्यान रखो। छोड़ दिया पानी, छोड़ दिया उसमें, छोड़ दिया वो वैसे ही डाल दे, धोती वैसे ही छोड़ दें, पानी वैसे ही छोड़ दो, और जल्दी जल्दी अरे भाई नहीं नहीं ये पद्धति ठीक नहीं है। यत्नाचार विवेक तो हमारे समस्त आचार शास्त्र का मूल है, यही तेरा पंथ है, भगवान का मार्ग तो यही है भाई। यत्नाचार और विवेक आचार अंग में ही हम वर्णायो, क्या वर्णन किया कि कार्य सकल ही करो यतन से। पंडित तीर्थचंद जी लिखा आचार अंग में, पूरे आचार अंग में ये दो शब्द पुनः कार्य सकल ही करो यतन से, यत्नाचार और विवेक। यत्नाचार बहिरंग का, किसी जीव की विराधना न हो जाए, और अंतरंग यत्नाचार है भेद ज्ञान यतन
भी ज्ञान, सावधानी हमारा उपयोग फैल न जाए, हमारी परिणति में अहंकार न आ जाए, हमारी परिणति में लोभ न आ जाए, लौकिक फल की वांछा का भाव न आ जाए, किसी के प्रति हीनता का भाव न आ जाए, तब तो पूजा है, नहीं तो पूजा का तब पूज्य हो गया। अब पूजक या पुजारी जिसको कहते हैं, कितना हल्का शब्द बना लिया, पुजारी पुजारी पुजारी, अरे पुजारी किसको कहते, पूजक का लक्षण पुजारी का तुमने पढ़ा होगा, बोलो। लोपे दुरित हरे दुख संकट पाप समूहन को जो हरे, छो काय के प्राणी ऊपर तिन, छो काय के प्राणी जेते तिन पर करुणा भाव करे, उज्जवल चीर पहर आभूषण भक्ति भाव सो नहीं टरे, मनवच काय लाय चरणन चित पूजा श्री जिंदाज करे। नुत्यात से रहित अनन्य चित्त, जैसे स्त्री का पति में चित्त अनन्य है, दो नहीं होते, गौणगिरी में भी कही थी भैया मन को भटकाओ मत, तुम्हें लौकिक कार्यों के लिए भी किसी अन्य जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, नहीं पड़ेगी। एक जिन भक्ति ही तुम्हारे समस्त प्रयोजनों को सिद्ध करने में समर्थ है, समस्त विघ्नों का समस्त दुखों का नाश करने में समर्थ है, क्योंकि कोई भी विघ्न कोई भी दुख तुम्हारे पाप के उदय के बिना या तुम्हारे पाप के परिणाम के बिना नहीं होते। तुम्हारे पाप के उदय बिना, तुम्हारे पाप के परिणाम के बिना कोई भी विघ्न नहीं हो सकता, कोई की ताकत नहीं है विघ्न करने। ये बिल्कुल नियम रूप समझ लेना, इसमें कोई कुछ नहीं। बाहर का विघ्न होगा वो पाप के उदय से होगा, और अंतर का विघ्न होगा तुम्हारे अंतर के कसायों से, और कोई विघ्न करने वाला नहीं। अब तुम जे चोर भीतर बैठे रहे और तुम बाहर में जिन्हें विघ्न करो, जे हमारे काम में विघ्न कर रहे, जे हमारे, ये सब पागलपन है। बैर विरोध को बढ़ाने वाले परिणाम है। करुणा भाव, सच्ची कह रहे, बहुत छोटे की बात है, दिवाली कहीं जल रही, दिया जलाओ, हम उधर से निकले, घर की बात है, सुबह आए एक कीड़ा गया, हमने उठा करके बंद कर दिया, अरे जिका दिवाली, जिका दिवाली, काय की दिवाली, कीड़ा गिरे तुरंत बंद कर दो स्वाध्याय, अपना चिंतन करो, पाठ करो, मौके बंद करो, कोई जरूरत नहीं। डेकोरेशन नहीं है ये, प्रदर्शन में धर्म लुटता है, क्रियाओं के प्रदर्शन में, ज्ञान के प्रदर्शन में धर्म लुटता है, शांतता लुटती है, वैभव के प्रदर्शन में वैभव लुटता है, दम नहीं है। जहां नाम होगा वहां पात्र पात्र के रहित नाम दे पाएगा, और जहां नाम नहीं होगा वहां पात्र भी होगा तो दान नहीं दे पाएगा। यहां नहीं, यहां नहीं, क्यों, यहां हमारे दान को कौन जान पाएगा, यहां हमारी पूजा देखने वाला कौन, बोलो। दृष्टांत क्या दिया था हमने, अभी रामायण में दिया, दो दिन पहले, दो चार दिन पहले दिया होगा, जंगल में मोर नाच रहा है, याद है, जंगल में मोर नाच रहा है, कोई देखने वाला नहीं, अरे कहो के दिखाई भी, हम नहीं नाच रहे, वो तो आकाश में मेघ आए और उनको देख करके, मान तुम स्वामी ने यही तो लिखा, तो भक्त रे मुखरी कुर्ते वाला, आपके आपको देख करके जय हो हमारी भक्ति,
हमें जबरन वाचाल बना रही, हम जान रहे हैं हम कछु नहीं कह पाएंगे, अनंत गुणों की महिमा को हम क्या कह सकते हैं। ये भगवान जब गर्दर इंद्रादिक भी आपके गुणों की महिमा को नहीं कह सकते तो हम क्या कह पाएंगे। ध्यान रखना, बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए माँ के लिए बेटा, अगर बेटा बना रहे तो ही उसके लिए शोभा है। ऐसे जिनवाने के लिए हम हमेशा छोटे ही बने रहे, गुरुजनों के लिए हमेशा छोटे ही बने रहे, भगवंतों के सामने बहुत छोटे बने रहे तो ही समझ लेना चाहिए कुछ हो सकता है कल्याण। बड़े बन करके न किसी ने कुछ पाया है न मिल पाया, बड़े बन करके कुछ नहीं मिलेगा। लघुता ते प्रभुता मिले, अगर हम लघु बने रहे छोटे बने रहे भैया तो तुम बहुत बड़े, अरे आपके लिए बड़े अल्पसुतम, कितना ही हमने पढ़ लिया हो लोग खूब कह रहे हो और खूब अच्छे अर्थ कर ले, नहीं अल्पसुतम। पंडित जयचंद जी ने अष्टपावन में लिखा है लघुता का ही भाव रखना, पांच अज्ञानियों में बैठ करके मेहनत बुद्धि मत करना। कितने वचन कैसे निकल जाते हैं, क्या होता है कुछ पता नहीं पड़ता, तुम्हें होश नहीं है यार। हमारे तो कभी कान में पड़ जाए या पीछे कोई सोने कह दे तो हमको तकलीफ होती है, अरे रे प्रभु काय का स्वाध्याय, काय का त्याग, त्यागी जिनेंगे तो त्यागी होने थे, तो जिनके त्यागी नहीं भाई तो क्या भाव बात है, फिर क्या त्याग। हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, हम ज्ञायक भाव है परमार्थ है, और व्यवहार क्या है, व्यवहार इतना है कि कितना व्यवहार, बस इतना ही व्यवहार है क्या, बस भगवंतों के भक्त हैं, उन गुरुओं के शिष्य हैं, एकमात्र आत्मार्थ के साधक हैं, निर्वाणी के उपासक हैं, बस कुछ नहीं है। हमें क्या, हमको हम सबको सुधार देंगे, हम सबको लगाया, अरे तुम अपने को ही तो लगा ले, अपने को ही तो सुधार ले, तुम्हारे परिणामों पर तुम्हारा बस नहीं है, तुम्हारी वचनों पर शरीर पर तुम्हारा बस नहीं है, जो ही दिन बखान दे हम सबको कर लेंगे, कर्तृत्व का अहंकार छोड़ देना चाहिए। धर्म का थकान मिटाने के हैं, थकाने के नहीं है, थक गए अरे रे तुम्हें क्या मिला, थक गए, थकान मिटाने के उतना करो जितने में थक नहीं आ, उल्लास बढ़ता रहे, कहते कहते थक गए, काय को कहते भेज भेज थोड़ी कहो, ऊपर कह रहे तुमसे कह रहे तुमसे कह रहे, थोड़ा लिखो थोड़ा बोला, क्या बैनर गया दिखाई, यानी कहा थोड़ा लिखो आकर्षण होगा एकाग्र होगा, थोड़ा बोलोगे एक सुनने में एक, और ज्यादा बोलने की कोशिश की और ज्यादा लिखने की कोशिश की कोई नहीं पड़ेगा, पूरी यहां से वहां तक लिख दे तुम पूरी दीवार कुछ नहीं पड़ेगा, और चार वाक्य एक चुनिंदा लिखे होंगे जो आएगा तो उनको एकदम पड़ेगा। साधारण बातें नहीं है, लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर, अब तुम्हें प्रभुता का मत आ गया, अब समझो प्रभु से दूर हो गए। अरे तुम प्रभु बनने की बात तो छोड़ना ही नहीं, प्रभु से दूर हो गए, तुम्हें प्रभु भी नहीं मिल पाएंगे। कथायों की तीव्रता से धर्म के निमित्त भी दूर हो जाते, और वे दूर नहीं हो जाते, हम दूर हो जाते हैं। छोड़ो अपन का खाना, अपन नहीं आ रहे, अपन नहीं कर रहे, यही करना, कसायों की ज्वाला में जलता है, कुछ नहीं होता। अरे पूजा है पुजारी, मिथ्यात्व का त्यागी, कसायों का त्यागी, दया परिणाम वाला, विधानों में पढ़ लेना शिक्षक विधान में, नीति आश्रित धन पशुति
चीला जो गुण खान ठिकाना ही नहीं, तुम्हें महिमा ही नहीं है, उल्लास ही नहीं है, इसीलिए तो ये सब दुर्दशाएं हैं। कल्याण मंदिर में यही तो लिखा है स्तोत्र में, भगवान हमने नाम नहीं सुना, वचन नहीं है, पूजा दर्शन नहीं किया, पूजा नहीं कही, अगर करी होती तो ये विपत्तियां आ ही नहीं सकती थी हमारे जीवन में, सवार ही नहीं, असंभव बात। पूज्य और पूजक या पुजारी मिथ्यात अन्याय आदि का त्यागी, उज्ज्वल कील पहर आभूषण, आभूषण माने सोने चांदी के ही नहीं, खाली शील के आभूषण, रत्नत्रय के आभूषण, विनय एक आभूषण है कि नहीं बोलो, क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा श्रावकस्य भूषणम, क्षमा पूजिकस्य भूषणम, विनय पूजिकस्य भूषणम, कर ये तो लिखी नहीं, लिखी नहीं आदि आदि पग लगा करके लगाओगे कि नहीं लगाओगे बोलो, कौन से आभूषण। हम तो एक बात पूजा के संबंध में आपको कितनी बार कह दी, सेठ ने पानी पिया नहीं मेढक बना, और मेढक ने पूजा करी नहीं और स्वर्ग में देव बना, पूजा तो नहीं करी थी, सेठ ने पानी तो नहीं दिया था, फिर मेढक क्यों बना। भीतर पानी 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 अकुलता आ गई, और इसने मेढक ने पूजा करी कहां, हाथी में के पैर से ही उसका देह छूट गई और मर करके भी अमर हो गया, पूजा के भाव से मरने, अगर मरण भी हो जाए तो अमर हो जाओगे, काय को लगे तुम, और बिना पूजा के तुम बच भी गए तो अमर काय को मरे ही तो। फिर आई पूजा, पूजा का क्या अर्थ हुआ, बहुमान है, गुणों का चिंतमन भाव पूजा, शुद्धात्मा का अनुभवन निश्चय पूजा, गुणों का चिंतमन व्यवहार भाव पूजा, वचनों का गुणानुवाद, काया से नमस्कार आदि करना, ये द्रव्य पूजा। फिर अवलंबन के लिए अष्ट द्रव्य की पूजा, बहुत बात किया, आप लोग यही नहीं समझते ये द्रव्य पूजा है, ये हाथ जोड़ रहे ना बोल रहे, ये द्रव्य पूजा है, ये भाव पूजा नहीं है, जैसे ही रेडीमेड खड़े हो गए हम तो भाव पूजा कर रहे हैं, भाव पूजा जी भाव पूजा है पहले ही हो, ये द्रव्य पूजा है। आठ द्रव्य से, चार द्रव्य से, दो द्रव्य से, एक द्रव्य से, वो भी होती बहुमान से लें चले आज कह, अरे भाई आपकी थाली में चार सब्जी बना करके रख दी तो कोई बात नहीं, और दाल रोटी रख दी तो कुछ नहीं, और भैया आओ खिचड़ी बनी है प्रेम से, आओ भैया आ जाओ खिचड़ी ले रही खिचड़ी खा ली, कब बात हो गई, कब बात, उसने ज्वार ज्वार चढ़ाई तो मोती बन गए, और जिनके बादाम और पुंज वैसे ही डरे रहे, परिणामों का निमित्त निमित्त संबंध है, ये समझना चाहिए। पूजा का अर्थ बहुमान, बहुमान, और बहुमान जब भीतर नहीं समाएगा तो वचन और काया में आएगा, नहीं समाएगा तो वचन काया में आएगा ही, उसमें क्या है, अभिव्यक्ति होगी उसकी, रोक नहीं पाओगे आप। हम कहते हैं बहुत से असख्य लेटे होते हैं और अचानक तो कोशिश करते वैसे बैठ जाए, नहीं लेटे होते हो और तो भी वो कोशिश करके ऐसे बैठ जाए, और बस ये पे ऐसे बैठे बैठे थारे सख्यता, सख्यता में क्या होता है उसका भी बहुत हिसाब से समझना पड़ेगा आपको, हैं ये छल का मार्ग नहीं है, छल ग्राही हट ग्राही सोता, जनवाणी सुनने का पात्र नहीं होता, जो केवल छलग्राही हटग्राही क्या उसके अनुसार अपने विषयों का पोषण करता है, अपने मतलब की बात उसमें से ग्रहण कर लेता है, बाद बाकी को उड़ा देता है, अपने दोषों पर चोट नहीं पड़ने देता, वो छलग्राही सोता, वो हटग्राही सोता है, केवल अपने पक्ष का पोषण, जी बहुत बढ़िया, अरे जी बहुत बढ़िया नहीं है, सब बहुत बढ़िया है,
तुमने आपको लौकिक दृष्टांत दिया था, याद है? बोलो। अरे पिता की पगड़ी जब तुम्हारे माथे आई है तो पिता की जायदाद भी आई है और पिता की कर्जा भी आया है, ऐसा तो नहीं है? जायदाद तो हम मालिक हैं और कर्जा अब वो छोटे से ले, हम कब था छोटो जाने। जब जायदाद तुम है तो कर्जा भी तुम्हारे माथे। एक दूसरा बोला, जब लौकिक व्यवस्थाएं व्यापार तुमने संभाला है तो उनकी पूजा स्वाध्याय कौन संभालेगा? उनके द्वारा दिए गए दानों को कौन करेगा? उनके फंड थे। विचार तो करो। तो पूजा का अर्थ होता है बहुमान। संस्कृत का क्या अर्थ है पूजा का अर्थ? गुणेशु अनुराग, गुणों में अनुराग होना। हमने अर्थ क्या किया था इसका? गुणों को अनुराग, राग माने इष्ट जानकर चाहना। गुणेशु अनुराग, गुणों को इष्ट जानकर चाहना। अगर तुम्हारे अंदर में ललक पैदा नहीं हुई ऐसी बीत राग जागी, समझ लेना पूजा आपकी प्रारंभ ही नहीं। बड़े मजे की बात है, देखो मोह की दशा, इनकी कमी देखें, ऐसी कमी हमें लेने, ऐसी गाड़ी हमें लेने, ऐसे मकान हमें बनाने, ऐसे काम हमें कराने, ऐसे ही हमें सजाने। ये देखे हाँ जी पंखा बढ़ गया, ऐसे ही पंखा अपन को लगाने। अब बता, और ऐसी वितरागता नहीं कहेंगे तुम्हें? नहीं ये नहीं, ऐसे ही आसन हमें चाहिए, ऐसी व्यवस्था हमें चाहिए, ऐसी हम कह कई बिल्कुल ऐसी ऐसी चटाई बिछा ली, ऐसी आसन का बस हो गई, बस हो गए पंडित। अरे ऐसा वेद ज्ञान चाहिए, ऐसी उदारता चाहिए, ऐसी सम्यकता चाहिए, ऐसा समर्पण चाहिए, ऐसी भक्ति। गुणों की कामना नहीं करता है? बड़े शेर को देख कर ईर्षा करता है, जे नहीं देखता है ऐसी हमारी पुण्य प्रवृत्ति हो। मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, ये बिन बोले ही बोल रही, और हर व्यक्ति बिना बोले बोलता है, आपकी मुद्रा बता रही है। हर व्यक्ति बोल रहा है, कण कण बोल रहा है। तो पूजा गुणेशु अनुराग, समझ गए? बोलो हाँ जी, परिभाषा करो। गुणों को इष्ट जानकर चाहना, वांछा करना। एक इच्छा में शब्द है, इच्छा करता हूं मैं आप जैसे त्याग की, आप जैसे संयम की। इच्छा में बनना भी, मैं इसमें वंदना करता हूं, झुकता हूं उसे प्राप्त करने। नमोस्तु ये शब्द है, काहे के हैं ये सब? प्राप्त करने की वांछा के सूचक शब्द हैं। और पूजा विधि जब तक पहचाना नहीं स्वरूप, तब तक बहुमान कहां से आएगा? होएंगे को वो क्यों कौआ उड़ाने में फेंकता रहा? उसने पहचाने नहीं थी भाई स्फटिक मणि है। जब पहचान में आया माथे पर उड़ा, तो हमने भगवान को पहचाना नहीं। अभी ये है क्या, बीतरा बीतरा करते हो, उनकी प्रभुता नहीं जानी अभी तुमने। प्रवचन सार जी में पढ़ लेना, तीन लोग को उतारने में समर्थ प्रभुता, बिना किए उनके नाम से काम होते हैं। भजन कर बड़ा प्रभाव था, उसके नाम से काम होता था। सिक्का पूछता है, कह देते ना अरे साहब वो क्या कहें, उसके सिक्का, उसका सिक्का चलता है आप। वैसे वितरागी का नाम है स्मरण, समस्त कष्टों को मिटता करने की जरूरत क्या, बेकार करेंगे आज, बिना क्या जरूरत है करने की। नाम स्मरण करते समय जो थोड़ा पुण्य हुआ, तुम्हारा पवित्र परिणाम, वही तुम्हारे दुख को दूर करता। अभी तुम नहीं समझ पाओगे, भटको इधर उधर, भटको इधर उधर। गाओ अभी तेरा की देव तेरा सा देव नहीं है,
और नए दुकान पर नए कुछ नुकसान हो जाए वो हो जाए तो लक्ष्मी जी विराजमान कर ले, क्या करें साहब बताओ, क्या करें फिर, क्या करें बता रहे हो, हम क्या बता रहे, क्या करो, स्वरूप को समझो, निश्चय व्यवहार से सांगो पान। स्वार्थ और कसाएं अंधा बना देती हैं, अंधा हो जाता व्यक्ति, देखते हुए भी नहीं देखता, सुनते हुए भी नहीं सुनता, कुछ नहीं सोचते हुए भी नहीं सोचता, उल्टा ही उल्टा सोचेगा, उल्टे ही उल्टा बोलेगा, उल्टे ही उल्टा देखेगा, हर काम उल्टा उल्टा उसे लगेगा। तो पूजा की विधि क्या है, एक भाव विधि एक द्रव्य विधि, बोलो है। पूजक के स्वरूप को पहचान कर उन जैसा होने के लिए अपने उपयोग को जोड़ना, ये पूजा की विधि है। एक प्रभाती बात है, यह प्रीतिकरण की रीत जे नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है, तुम हमें यहाँ बुला लियो, तुम अपनी दुकान देखो है, तुम कहो पंडित चलो ने प्रवचन करो और तुम सो या अनसुनी करो, तो ये उल्टा काम है। तो पूजा की विधि क्या है, जिस विधि से वे हुए हैं उसी वही विधि या दूसरी विधि नहीं, यह विधि ठाड़ो हो क्या, यह विधि ठाड़ो हो क्या, फिर हटे नहीं उपसर्गों में भी और बाहर में पूजा की विधि, आप समझ लेना बहुत विनम्र भाव है। जैसे रोगी वैद्य के पास जाता है, जहां उसे वैद्य की दुकान खुली दिख जाए, वैद्य दिख जाए, कितना हर्ष होता है उसको, बैठे हैं अभी तो खाली बैठे, चलो जल्दी वो आकर के कितने विनम्रता है, वैद्य बड़ो नाम सुन के आए, बहुत हैरान हो गए, हम तो सब जगह भटक के आए, अब आपका आसरा है। अरे वो श्लोक बनाना आता हो चाहे नहीं आता हो, हिंदी में पढ़ो चाहे संस्कृत में पढ़ो, चाहे पद्य में पढ़ो, चाहे गद्य में पढ़ो, चाहे टूटी फूटी बाल भाषा में पढ़ो, बालक बन जाओ, बड़े आदमी मत बनो, बिल्कुल बाल बस सरल हो जाओ है, उज्जवल वस्त्र आभूषण पहन करके इरिया पथ से गमन करते हुए, इधर उधर उपयोग को न भटकाते हुए, जिन मंदिर को देखकर दृष्टम जिनेन्द्र भवनम भवता पहारी, निशाई निशाई लेकर के प्रवेश किया, शुद्ध प्रासुक जल से स्नान किया, शुद्ध प्रासुक सामग्री ली, खाली हाथ कैसे जाए, खाली हाथ कैसे जाए, लेकिन सिखाने और सीखने की गुंजाइश नहीं रही, चले आए चले आए चले आए अपने। तुम हो तो कई बिगड़े, हम तो अकर्ता कहने के लिए है ना। अरे रे प्रभु सोचो, विद्वानों की बहुत जिम्मेदारी है, माँ बेटे को सब सिखाती है, अधूरा नहीं सिखाती, सब सिखाती है, ये भगवान है ये भी सिखाती है, और इनको नमस्कार कैसे किया जाता है ये भी सिखाई जाती है, और चावल कैसे चढ़ाते ये भी सिखाया जाता है, ऐसा थोड़ी है आधा पद्धा सिखा देंगे, ये हमारा विषय पूरा हो गया। तो पूजा की विधि और फिर पूजा का फल, बोलो एक लाइन में बोल देना, बस इतना ही कह पाएंगे। कामनाओं की पूर्ति होना ही पूजा का सच्चा फल नहीं, कामनाओं का अभाव होना पूजा का सच्चा फल है। कामनाओं की पूर्ति होना ये पूजा के काल में होने वाले प्रशस्त परिणाम का व्यवहार पूजा का फल समझना, कामदम मोक्षदम ये पूजा का फल है। पूजा का फल क्या है, कामदम मोक्षदम, समझ में आया। हाँ, अयोग्य कामनाओं का अभाव हो और योग्य कामनाओं की स्वयं पूर्ति हो जाए। क्या कहा,
योग अयोग्य कामनाओं का अभाव हो, ये स्त्री मुझे मिल जाए, इस कामना का अभाव हो जाए, भगवान की पूजा भक्ति है, और तुम्हें देवांगनाएं भी मिल जाए। हसो मत, बात तो जो है सो है। जाको पैसा हमें मिल जाए, जे जाकी जायदाद हमें मिल जाए, ये अयोग्य कामना का अभाव हो, और चक्रवर्ती की संपदा वीरेंद्र की संपदा भी मिल जाए, एक निःश्रेयस फल होता है, एक अभ्युदय फल होता है। समझ में आया? निःश्रेयस फल का दृष्टांत बोलो। अरे दृष्टांत तो बता दिया कर भैया। वैद्य की औषधि का सेवन करने का फल रोग का अभाव होना है, ऐसे भगवंतों की भक्ति का फल भी राग का अभाव होना। वहां रोग का नहीं, वैद्य के पास गए तो मीठी मीठी गोली मिलाएंगी, और घर का काम नहीं करने पड़ेगा, वो आराम से पड़े रहे हैं, चार जने पूछ भी आए हैं, भैया कैसी तबीयत है, कैसी तबीयत है, यही तो फल है बीमार होने का, वैद्य जी के पास जाने का यही फल है। नहीं, वैद्य जी के पास जाने का फल रोग का भाव होना है, ऐसे वीतरागी को के पास की उपासना का फल राग का भाव। विचारना, अब सोचो पूजा कितनी करी है, कितनी पूजा हमने की है, और अब कैसे पूजा करनी है, सोचो समझो विचार करो। ज्ञानी के भाव ज्ञानमय, तो ज्ञानी की पूजा ज्ञानमय होगी, अज्ञानी की पूजा भी अज्ञानमय होगी, वो जानता ही नहीं भगवंतों को, न भगवंतों के मार्ग को, उसे तो बस कामनाओं की पूर्ति होती है, तो बताया गया पर नहीं। अंधेरे में मैं अंधेरे में पूजा मत करो। हाँ, ज्ञान के अंधेरे में सम्य ज्ञान का प्रकाश करके फिर बहुमान आए पूजा होगा। कुछ है लगना चाहिए, कुछ लगना चाहिए अंतर में कि हाँ मार्ग ये है, स्वरूप ये है, सुख ये है, शांति ये है, ज्ञान इसको कहते हैं। लगना चाहिए, भाषित तो होना चाहिए, लगने का मतलब भाषित तो होना चाहिए, और बारंबार का विचार करेंगे तो भाषित तो होगा। विचारना, ओम नमः सिद्धि स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप अविनाशी मैं आत्म स्वरूप।